गया था वहां पर मेरे को रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ मैंने स्पोर्ट जो ट्रेंड में चलते थे जहां पर लोगों की नॉर्मल एंट्रियां नहीं होती थी वहां पर मैंने फ्री एंट्रियां कराई। पार्टी में जा रहे हो तो ऐसे मत जाओ, जब आप यार बात करने गए थे फोन पे। देखो गेट पे दो बसड़ चल रही है, एक बसड़ ये है, तीन स्टैक जा रहे हैं बाहर के हम। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है? टुडे इज संडे, संडे हिप हॉप नाइट। तो जा रहे हैं की साइड, पंजाबी नाइट है ना, उसके बाद एम हाउस जाएंगे। आज बहुत टाइम हो गए वहाँ हम नहीं गए हैं, तो ब्लिंकर चल रहे हैं, पहले बंद कर दें। यार मेरे को ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। संडे अब दिल्ली के अंदर चलन है, चलन मतलब एक ट्रेंड कह लो इंग्लिश में, हिप हॉप नाइट का आ गया फिर से। लोग फिर से हिप हॉप, कुछ लोग हैं जो अब सिर्फ पंजाबी या यूके मतलब पंजाबी या बॉलीवुड सुनना पसंद करते हैं, तो वो लोग अलग हैं। और जो हिप हॉप नाइट वाले हैं, जा भाई देर से क्या टक्कर लेंगे हम। ऑडी वाला है भाई, सॉरी बीएम 5 सीरीज है भाई, वो भी नया 2021 वाली, तो इससे तो हम क्या ही टक्कर लेंगे भाई, मतलब दूर तक कोई सेंस नहीं बनता इससे। एक बात और करनी थी यार, मैं आज तक किसी वीडियो में मैंने बात आपसे नहीं की है, अब करना बनता भी है क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपसे ऑलमोस्ट आप 5000 लोग होने जा रहे हो, मतलब 5000 सब्सक्राइबर या फैमिली जैसे जनरली लोग बोलते हैं, दोस्त गाइस। तो वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, वीडियो का मतलब मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, और क्या देखना आपको अच्छा लगेगा व्लॉग के अंदर मुझे बताओ, जनरली मैं वही चीज़ डालूंगा। फालतू में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और ना मेरे पास सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं व्लॉग के साथ साथ मेरी कंपनी के अंदर जो मेरे को देखनी पड़ती है, मैं नहीं निकाल पाता उस चीज़ के लिए टाइम, मतलब व्लॉग के लिए। और एक दो व्लॉग मैंने बड़े तरीके से बनाए, सोच कर आया कि ये शूट करना है, वो करना है, ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, और काफ़ी म्यूज़िक भी डाला है एक दो व्लॉग जो मेरे को खुद को अच्छे लगे, मैं बार बार उनको आजकल रिपीट भी करता हूँ देखने के लिए। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं वो कोई पार्ट वीडियो का तो आप बता दो मेरे को। और हाँ यार एक चीज़ और आप लोगों के साथ, व्लॉग के अंदर ना फिर से रेशियो 95% चली गई है जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और रिटर्न है, मतलब बार बार आते हैं देखने के लिए वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, मोटिवेट होऊंगा। जैसे मैंने अपनी कंपनी खोली थी ना, तो उसके ऐप के ना इंस्टॉल डाउनलोड बढ़ते थे, तो मैं बड़ा मोटिवेट होता था और ऐप को और अच्छा बनाया मैंने 2015 में, मतलब 2016 में बनाई थी मैंने ऐप,
तो आज देख लो उसका फर्स्ट इंटरफेस और आज का इंटरफेस और नए फीचर्स, कैसे कैसे नए फीचर मैंने डाल दिया ऐप के अंदर, क्योंकि मैं मोटिवेट हुआ ना। और नए नए क्लब मैंने डाले, बहुत से सारे कैफेज भी डाले जो ट्रेंड में चलते थे, जहाँ पर लोगों की नॉर्मल एंट्रियाँ नहीं होती थी वहाँ पर मैंने फ्री एंट्रियाँ कराई, मतलब वहाँ पेड एंट्री नहीं होती लोगों की, वहाँ मैंने फ्री एंट्रियाँ कराई अपनी ऐप के थ्रू, बिकॉज ऑफ मोटिवेट होता होता है ना मतलब आदमी। आप जब सब्सक्राइब करोगे, वीडियोज़ को लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा और अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। बट यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लोग आप यूट्यूब देख रहे हो ना, मैं आप लोगों की सीरियसली बता रहा हूँ, एंट्री नहीं करा सकता, क्योंकि ये जो एंट्री है ना मेरे ऊपर डिपेंडेबल नहीं। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट होता या कोई मेरी चीज़ होती जो मैं सेल कर रहा हूँ, आप आते और ख़रीद के ले जाते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ ना मैं आपकी एंट्री तो बुक कर सकता हूँ अपनी साइड से, बट क्लब आपको एंट्री देगा नहीं देगा वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैच होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ड्रेस कोड होता है, आपको भी पता है, क्योंकि यार मैं अक्सर कई वीडियो में देखता हूँ जनरली जितनी भी एंट्रियाँ रुकती हैं ना वो रुकती हैं सिर्फ ड्रेस कोड के ऊपर, या फिर ओवर ड्रिंक की हुई होती है, आप ड्रंक होते हो ओवर, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं एंट्री रुकती हैं। और जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो ऐसे मत जाओ, जब आपका बर्थडे होता है यार आप कितनी नई ड्रेस खरीदते हो, ठीक है, अच्छा सेलिब्रेट करना चाहते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब भी आप पार्टी में आओ नए कपड़े पहनो, बट एटलीस्ट आप प्रेजेंटेबल बन के आओ जिससे कि आपकी एंट्री गेट पे ना रुके, ठीक है। अब कई लोग इसको ऑब्जेक्शन भी उठाते, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है जो मर्जी पहन के आए, ऐसा नहीं होता यार, प्राइवेट इवेंट होते हैं ये, ठीक है, पब्लिक इवेंट नहीं होते कि आप आए, मेला थोड़ी ना कि आप आए और आपको एंट्री टिकट लिया आपने, ऐसे नहीं, प्राइवेट इवेंट होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, अब उसके टर्म एंड कंडीशन उसने बनाए हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी एंट्रीज होगी, वरना नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भाई मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम क्लब में गया था ना, तो मैं घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में इसी एरिया में, एम्बेसी एरिया में, तो मेरे को पता भी नहीं था यहाँ पे कोई अशोका के अंदर क्लब है। फर्स्ट टाइम मैं कैपिटोल के अंदर गया था, वहाँ पर मेरे को रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे, आज तो आजकल स्नीकर्स भी अलाउ कर दिए भाई क्लब ने, उस समय पे मैंने स्नीकर डाले हुए थे और वो मना कर दे भाई कि आपने स्नीकर पहने हुए। फिर हम मेरे पास मतलब गाड़ी में रहते थे शूज़, तो मैंने दोबारा से अपने लोफर पहने, उसके बाद मैंने एंट्री ली। तो यार इसमें मुझे तो लगता नहीं ऑफेंड होने वाली कोई बात है, आपको बनता है यार ऑफेंड होने वाली बात है, और शायद यही रीज़न था कि, तो आप प्लीज़ यार टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें और आप एंट्री इसलिए से ले, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ आप सारे लोग पार्टी करें, म्यूज़िक एंजॉय करें अपना, ठीक है, फूड एंजॉय करें, एम्बियंस एंजॉय करें। एक्चुअली मैं पहुँच गया हूँ सम्राट में, क्लब के अंदर मिलते हैं आपसे। अच्छा, वी आर हेयर एट द की आफ्टर आई विल गो to Emmaus after 1 hour। ये रहा वो जुगाड़ जिससे आप नाचते हो, और ये रहा वो आदमी जो इस जुगाड़ को प्ले करता है। भाई एक्चुअली पी रहा है जुल, इसको जुल भी बोलते हैं ना, तो ये सीन अभी। बोला था ना थोड़ी देर में किए जाएंगे, बोला था ना थोड़ी देर में Emmaus जाएंगे, तब Emmaus की तरफ निकले हैं। गाड़ी कहाँ है वो भी मतलब बोल गया था थोड़ा सा आज। Maybe.
भैया आपको बुला रहे यार, बात करने रहते फोन पे। अरे 2000 रुपये। देखो गेट पे दो बसड़ चल रही है, एक बसड़ ये है, तीन स्टैक जा रहे हैं बाहर के हम कैश लेने जा रहे हैं। भाई कार्ड है तो कार्ड चलता है क्लब के अंदर, क्यों कैश लेने जा रहे हैं बाहर? गाड़ी में दारू पीने जा रहे हैं, बेसिकली मकसद ये है पहला। दूसरा मकसद क्या है, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ जो लड़कियों की दारू फ्री होती है ना, लड़के ना पिया करें, पीते हुए पकड़ गए अब उनसे चार्ज लिया जा रहा है, अब उनके पास पैसे भी नहीं देने के लिए, वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है भाई बैठ जाओ सवेरे ग्लास धुलवा देंगे। तो नहीं पीना चाहिए। तो कुछ ऐसा था आज, तो ये थी आज हमारी संडे नाइट की। उसके बाद एमाउस यार मैं आ ही नहीं पाया ना, कल मेरा प्लान था सैटरडे आने का, बट की में ही 3:30 बज गए, तो फिर यार मेरे को थोड़ी सी थकावट हो रही थी, मैं घर चला गया। मतलब अब बॉडी भी, बॉडी का तो वैसे अपना खुद का मूव होता नहीं है, बट बॉडी दिखाती है रिएक्शंस के भाई रेस्ट दे दे वरना बीमार कर दूंगी तेरे को, इसलिए बॉडी को रेस्ट दिया मैंने। कल मैं घर जल्दी चला गया और संडे को 7 घंटे सोया हूँ, जबकि जनरली वीकेंड पे मैं 3 से 4 घंटे ही सोता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोता। और काफ़ी टाइम से तो मैं 2-2.5 घंटे ही सो रहा हूँ, क्योंकि दिन में काम करते हैं तभी आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ये पार्टीज हो रही है, फिर आप आते हैं, और ऊपर से फिर ब्लॉग वाला भी एक काम है जो कि एडिटिंग वाला पार्ट मैंने ही ले लिया दोबारा से, क्योंकि जो मैंने टीम हायर की थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, मैंने कहा यार बाद में देखेंगे, अभी यार थोड़ा सा छुट्टी पे चले जाओ, करते हैं हिसाब किताब ऐसे, मतलब आपको बुलाएंगे दोबारा से। और अब मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा, मंडे नाइट हो गई ना अब, तो मंडे नाइट थोड़ा सा सही रहेगा, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा, ठीक है।